मैं इस संसार का सबसे पराक्रमी दैत्य सम्राट हूँ। मैं अपनी शक्ति से सबको मत डालूंगा। जो भी मेरा विरोध करेगा मैं उसे तिनके के समान मसल डालूंगा। तुम्हारे पराक्रम पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है सिंधुदैत्य, परंतु इस प्रकार अपने पराक्रम का दुरुपयोग न करो, इसका परिणाम तुम्हारे हित में न होगा। महापराक्रमी सिंधुदैत्य को परिणाम का भय दिखाने वाले कौन हो तुम? क्या तुम्हें अपना जीवन प्रिय नहीं? सिंधुदैत्य का क्रोध तेरे जीवन का अंत कर सकता है मूर्ख। सावधान सिंधुदैत्य, तुम ये मत भूलो कि इस समय तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समक्ष खड़े हो। एक दैत्य होने के कारण मेरा आदर करना तुम्हारा कर्तव्य है। कौन गुरु, किसका गुरु? ना कोई मेरा गुरु, ना मैं किसी का शिष्य। दैत्य, असुर और राक्षस जाति में जन्म लेने वाला हर प्राणी मेरा शिष्य होता है। तनिक स्वयं को देख और मुझे देख। जब तू मेरे समान ही नहीं तो मेरा गुरु कैसे बन सकता है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः। तुम्हारी मूर्खता को संतुष्ट करने के लिए मुझे अपनी चमत्कारी सिद्धियों का प्रयोग करना पड़ा। अपने हठ और अभिमान को त्याग कर मेरी बात ध्यान से सुनो सिंधुदैत्य। तुम्हारी बात सुनने से पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि तुमने मुझे सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हारी बात सुनने पर विचार करूंगा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? एक सामान्य स्त्री के गर्भ से जन्म लेने पर भी मुझे अग्निमय शरीर क्यों प्राप्त हुआ? सागर का स्पर्श होते ही मेरे भीतर दैत्य भाव क्यों जन्म लेने लगे? सिंधु, तुम्हारी माता उग्रा ने सूर्य देव की आराधना करते हुए तुम्हारे इसी विराट रूप की कल्पना की थी, परंतु कहते हुए तुम रुक क्यों गए? क्या इससे अधिक तुम नहीं जानते? क्या इसी अज्ञान के साथ तुम महापराक्रमी सिंधु दैत्य के गुरु बनना चाहते हो? मूर्खतापूर्ण बातें करके मेरा समय नष्ट न करो सिंधु। तो बताओ मुझे अग्निमय शरीर क्यों प्राप्त हुआ? जब सूर्यदेव तुम्हारी माता की कठोर तपस्या को वरदान देने पहुंचे तो उग्रा ने उनसे अपने होने वाले पुत्र के लिए तीनों लोकों का साम्राज्य मांग लिया। यह वरदान देना सूर्यदेव को स्वीकार नहीं था। उनके अस्वीकार करने पर तुम्हारी माँ ने उनका अपमान कर दिया। क्रोधित सूर्यदेव के क्रोध के कारण तुम्हें अग्निमय शरीर प्राप्त हुआ। अग्निमय शरीर में सागर जल का स्पर्श होते ही परिवर्तन क्यों हुआ? तुम्हारी माता की तपस्या के प्रभाव से तुम्हें विराट काया और पराक्रमी होने की शक्ति प्राप्त हुई। सागर के शीतल जल का स्पर्श मिलते ही सूर्यदेव का क्रोध शांत हो गया और तुम विशाल काया दैत्य बन गए। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? मेरी बात ध्यान से सुनो सिंधुदैत्य। यदि तुम संसार के सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली दैत्य बनना चाहते हो तो हम दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की आराधना करो। नहीं नहीं शुक्राचार्य, शिव आराधना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं भगवान सूर्यदेव की आराधना करूंगा। सूर्यदेव को प्रसन्न करके मैं उनसे विश्व विजय और सर्वशक्तिमान होने का वरदान प्राप्त करूंगा। जो महारानी उग्रा ना प्राप्त कर सकी मैं उसे अवश्य प्राप्त करूंगा। सावधान सिंधुदैत्य, मेरा परामर्श ठुकराकर तुम अपने सर्वनाश की भूमिका रच रहे हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श मानने में ही तुम्हारा कल्याण है। सिंधु दैत्य का कल्याण उसकी पराक्रमी भुजाओं में छुपा हुआ है। तुम्हें जो कहना था तुम कह चुके और मुझे जो सुनना था मैं सुन चुका। अब एक क्षण का विलंब किए बिना जैसे आए थे वैसे ही अदृश्य हो जाओ। अहंकारी सिंधु दैत्य, अपने गुरु की आज्ञा को न मानकर तूने अपना सर्वनाश सुनिश्चित कर लिया है।
तू सूर्य देव को प्रसन्न करके कितना भी बड़ा वरदान क्यों न ले ले, तेरा अंत निश्चित है। तू दुनिया की सर्वोच्च शक्ति के द्वारा मारा जाएगा। अपना लिया हुआ निर्णय सिंधु दैत्य किसी भी मूल्य पर बदल नहीं सकता, किंतु तुम उस सर्वोच्च शक्ति को अवश्य सावधान कर देना, कहीं ये महापराक्रमी सिंधु दैत्य उनके लिए संकट न बन जाए। अपने भाई सूर्य के समीप प्रकट होकर कहते हैं, भैया सूर्यदेव, ये दुष्ट सिंधु दैत्य मात्र कह ही नहीं रहा, आपसे वरदान प्राप्त कर यह संसार के लिए एक संकट बन जाएगा। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम देवासुर वंदिताय नमः। भैया सूर्यदेव। प्रणाम देवराज। नहीं सूर्यदेव, नहीं भैया, संसार के लिए मैं देवराज हूँ, किंतु आपके लिए मात्र भैया हूँ। भाई तो हम अवश्य हैं देवराज, परंतु मर्यादा और सम्मान की दृष्टि से आपका आदर करना मेरा परम कर्तव्य है। कहें क्या आज्ञा है? भैया सूर्य, उस दुष्ट की घोषणा तो आप सुन चुके हैं, आपका वरदान प्राप्त कर वो पृथ्वी और स्वर्ग के लिए संकट बन जाएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप उस दुष्ट को वरदान ना दें। मैं तो कर्तव्य के पथ का पथिक हूँ देवराज, ना तो मैं किसी के कार्य में हस्तक्षेप करता हूँ और ना ही मुझे किसी का हस्तक्षेप अपने कार्य में प्रिय है। ये प्रश्न हस्तक्षेप का नहीं है भैया, ये संसार के कल्याण और जनहित का प्रश्न है। मैं जानता हूँ देवराज, मैं जानता हूँ कि संसार कल्याण और जनहित से अधिक आपको अपने स्वर्ग की चिंता है। इसे देखकर आपके स्वर्ग की सुरक्षा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, इस कारण आप मुझे इसे वरदान न देने के लिए कह रहे हैं। आप मेरा अपमान कर रहे हैं सूर्यदेव। मैं तो सत्य कह रहा हूँ देवराज, सत्य कह रहा हूँ। अगर सत्य को सुनकर आप आहत हो रहे हो तो ये बात प्रमाणित होती है कि मेरा कथन सत्य है। मैं आपको आज्ञा भी दे सकता हूँ सूर्यदेव, और आपको विवश होकर मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। ऐसी भूल ना करिएगा देवराज कि छोटा भाई बड़े भाई की आज्ञा की उपेक्षा करे, इससे आपके संसार के कल्याण की भावना को पीड़ा पहुँचेगी। तुम अपनी मर्यादा की सीमा लांघ रहे हो सूर्यदेव, देवता होने के कारण देवराज इंद्र की आज्ञा मानना तुम्हारा परम कर्तव्य है। मुझे अपने कर्तव्यों का भलीभांति ज्ञान है देवराज, क्योंकि मैं अपने कर्तव्य पथ पर कभी भी चूक नहीं करता। जहाँ तक आपकी आज्ञा मानने का प्रश्न है, तो मैं ऐसी किसी भी आज्ञा को स्वीकार नहीं करता जिसमें किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा। सूर्य, तुमने मुझे स्वार्थी कहकर अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है, तुम्हें मेरे आज्ञा का पालन करना ही होगा। तुम इस दुष्ट को वरदान देने कदापि नहीं जाओगे। अगर ये मेरी निष्ठा पूर्वक आराधना करेगा तो मैं इसे वरदान अवश्य दूंगा। देवराज इंद्र की उपेक्षा करके तुमने उचित नहीं किया सूर्यदेव, समय आने पर इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मेरे जन्म को शापित करने वाले सूर्यदेव, मुझे दर्शन दे, मुझे बताएं कि मैं अपने आप को सर्वशक्ति संपन्न दैत्य शक्ति का धारक कैसे बनाऊं। शापित ही सही, परंतु आप ही मेरे जन्म दाता हो, मुझे दर्शन दे सूर्यदेव, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे सूर्यदेव, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे सूर्यदेव, मुझे दर्शन दे। वत्स सिंधु, तुमने सच्चे हृदय से मुझे पुकारा, इस कारण हम तुम्हारी माता के अपराध और पिछली सभी बातों को भूलकर यहाँ प्रकट हुए हैं। देव देवेश्वर भगवान सूर्यदेव की जय, विवस्वान भगवान सूर्यदेव की जय। सिंधु, हमारे भाई देवराज इंद्र ने हमें चुनौती दी है कि हमारा वरदान पाकर भी तुम स्वर्ग विजय नहीं कर पाओगे। भैया इंद्र अपनी विशाल देव सेना के साथ युद्ध में परास्त करके तुम्हें नष्ट कर देंगे। सूर्यदेव,
आपके वरदान की शक्ति के साथ मैं इंद्र के अहंकार को खंडित कर दूंगा। मेरी महापराक्रमी और वरदानी शक्ति के सामने इंद्र को पराजय स्वीकार करनी ही होगी। मुझे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास है सिंधु, परंतु शक्ति का दुरुपयोग मुझे प्रिय नहीं। यदि मेरा वरदान पाकर तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करने का वचन दो तो मैं तुम्हें परामर्श दे सकता हूँ। कैसा परामर्श भगवान? हम तुम्हें अतुल बल और अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदलने और विशाल दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान देना चाहते हैं। तो विलंब क्यों भगवान, विलंब क्यों? मुझे मेरा मनोवांछित वरदान प्रदान करें। वरदान पाने की योग्यता प्रकट करनी होती है सिंधु। कैसी योग्यता सूर्यदेव? अपना मनोवांछित वरदान पाने के लिए अब तुम अपनी माता से भी अधिक निष्ठा के साथ हमारी आराधना सहित तपस्या का प्रारंभ करो। क्या बिना तपस्या के वरदान प्राप्त नहीं हो सकता? नहीं, बिना तपस्या के वरदान देना विधि और विधान के विरुद्ध है। हाँ, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारी तपस्या से हम शीघ्र प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे। जो आज्ञा भगवान, मैं इसी स्थान पर आपकी आराधना सहित तपस्या प्रारंभ करता हूँ। मेरी प्रसन्नता के कारण तुम्हारे भीतर कठोर तपस्या के योग्य संयम प्रकट होगा। अब तुम्हारा आकार तपस्या के योग्य हो गया है। तुम्हारा कल्याण हो वत्स, तुम्हारा कल्याण।